लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य बेहद अहम है। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जो देश के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में जुटी हैं। यहाँ राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला कांटे का है और उनके लिए राज्य की हर सीट मायने रखती है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट पर फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1996 से अब तक समाजवादी पार्टी यहां चार बार चुनाव जीत चुकी है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। हालांकि आजमगढ़ के मौजूदा सांसद बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ है। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी फिर से इस सीट पर अपनी वापसी कर सकती है। हम आपको यहां बता रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीट होने के बावजूद ये यहां से कैसे हार गई। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 60% वोट शेयर के साथ आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव को करीब 2,59,000 वोटों से हराया था। हालांकि अखिलेश यादव ने विधानसभा सीट के लिए आजमगढ़ सीट खाली कर दी और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। इस वजह से जून 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2 महीना पहले हुए विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ संसदीय सीट की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव की जीत ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए स्थितियां बेहतर है। लोकसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया और इसके बदले उन्हें MLC की सीट दी गई। हालांकि क्या इससे समाजवादी पार्टी की जीत की गारंटी है, तो आइए जानते हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों और यादवों की अच्छी खासी तादाद है, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं। यहां यादव तकरीबन 20% हैं, जबकि दलितों की 20% और मुसलमान 17% हैं। बाकी आबादी में ब्राह्मण, ठाकुर और गैर यादव OBC शामिल हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी का मानना है कि गुड्डू जमाली को अपने पाले में करने से पार्टी को अपने कोर वोटर्स का बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि जमाली के समाजवादी पार्टी में जाने से उसे फायदा मिलेगा। बीजेपी के मुताबिक 2022 के उपचुनाव में जमाली को जाटवों का वोट मिला था, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। बीजेपी को लगता है इस बार जाट समुदाय का वोट उसे ही मिलेगा। हालांकि खबरों के मुताबिक BSP जमीन पर तकरीबन बिल्कुल गायब है, लिहाजा यहां समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव के बीच ही सीधा मुकाबला है। जमाली को अपने पाले में करने से समाजवादी पार्टी को तभी फायदा मिलेगा जब वोटिंग के दिन उनका वोट पार्टी को ट्रांसफर होगा। लिहाजा ये इस बात की गारंटी नहीं है कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ सीट पर जीत मिलेगी। हालांकि उसके लिए संभावनाएं निश्चित तौर पर बेहतर हुई हैं।